फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रेडीमेड स्वेटर जैसा डिज़ाइन। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स, से 6 रो का डिज़ाइन है ये और 2 फंदों में हमारा डिज़ाइन बनना है। इस तरह से दिखेगा आगे की तरफ और बैक साइड इसका इस तरह से बन के आएगा। आइए सीखते हैं। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद एक रो हमने पूरी सीधी बना लेनी है। फर्स्ट रो पूरी सीधी बना लेंगे। 2-2 फंदों में डिज़ाइन बनना है और 6 रो का ये डिज़ाइन है। राउंड साइड पूरी रो सीधी बना लेंगे। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद एक रो हमने पूरी सीधी बना लेनी है और राउंड साइड से एक रो पूरी सीधी ही बना लेनी है। इस तरह से हमने एक रो पूरी सीधी बना लेनी है। राउंड साइड से भी एक रो पूरी सीधी बना लेनी है। अब हमने डिज़ाइन की फर्स्ट रो शुरू करते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो एक्स्ट्रा फंदा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे। 2 फंदे हैं ये उल्टा, इनको पहले हमने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है। धागा को इस तरह से लेंगे, वापस इनको उल्टे हाथ की सिलाई में रख लेंगे। इस तरह से उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे और इसको इस तरह से हमने सीधा बना लेना है। बैक साइड से इसको हमने सीधा बना लेना है। इस तरह से पूरी रो में हमने यही रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे। 2 फंदा को पहले तो हमने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, फंदे को आगे की तरफ रखेंगे, इसको फिर हमने वापस उल्टे हाथ की सिलाई में रख के दोनों फंदों को सीधा बना लेना है। 1, 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे पहले सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे बिना बुने, धागा को आगे की तरफ रखना है, फिर वापस उल्टे हाथ की सिलाई में रख देंगे, दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे। इस तरफ से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे पहले बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, आगे की तरफ धागा रखेंगे, वापस उल्टे हाथ की सिलाई में इसको रख के इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे। इस तरफ से सीधा नहीं बनाना है, बैक साइड से इस तरफ से हमने सीधा बना लेना है। एक्स्ट्रा फंदा इसको हम सीधा बना लेंगे। इधर से हमारा डिज़ाइन की फर्स्ट रो शुरू हो गई है। डिज़ाइन की सेकंड रो रॉन्ग साइड उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे। अब ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है और इसको हमने सीधा बना लेना है। इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बिना बुने उतार लेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे की तरफ, सीधा फंदा सीधा। एक्स्ट्रा फंदा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे। सेकंड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, उल्टा फंदा हमने उल्टा बना लेना है, धागा आगे की तरफ रखेंगे। अब इस फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा आगे की तरफ, इस फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है। एक फंदा उल्टा, धागा आगे की तरफ, बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे। इस सीधे फंदे को
उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, सीधा फंदा बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रख लेंगे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। थर्ड तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है डिज़ाइन की फोर्थ रो। इस फंदे को फोर्थ रो में भी बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में उतार लेना है। फोर्थ रो यही रिपीट करना, हमने इस फंदे को उतार लेना है और एक फंदा सीधा बना लेना है। फोर्थ रो भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है डिज़ाइन की फिफ्थ रो। पूरी रो सीधी बना लेंगे। फिफ्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स रो रॉन्ग साइड, पूरी रो सीधी बना लेनी है। फर्स्ट रो की तरह, सेकंड रो की तरह सॉरी, पूरी रो हमने रॉन्ग साइड से सीधी बना लेनी है। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स से, एक डिज़ाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इन्हीं सिक्स रो को हमने बार बार रिपीट करना है। फर्स्ट रो दूसरे डिज़ाइन की, पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ। अब इन दोनों फंदों को हमने इस तरह से निकाल लेना है, धागा आगे की तरफ रखेंगे। इस तरह से पहले हमने उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे और इसको फिर सीधा बना लेना है। बैक साइड से इसको हमने इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ। दो फंदा पहले हमने इस तरह से ले लेना है, धागा आगे की तरफ रखेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई में वापस रखेंगे इनको, फिर दोनों फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ। दो फंदा पहले हमने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है, धागा आगे की तरफ रखना है, वापस इनको उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे और इनको फिर सीधा बना लेंगे, एक दो, धागा अपनी तरफ। दो फंदा बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, धागा आगे की तरफ रखेंगे, इन दोनों को इसके बाद हमने सीधा बना लेना है। इस तरह से हम सीधा बना लेंगे। साइड वाला फंदा है, इसको भी हम सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है डिज़ाइन की। सेकेंड रो उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, और ये उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हम हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। सेकंड रो राउंड साइड में हमने इस फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखना है, सीधा फंदा सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ, बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, उल्टे फंदे को सीधा फंदा बना लेंगे। सेकेंड रो भी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है दूसरे डिज़ाइन की। थर्ड रो सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ रखेंगे। अब इधर हमने राइट साइड से सीधे फंदे को बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ, सीधा फंदा बिना बुने उतार लेंगे, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा बिना बुने उतार लेंगे, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में उतार लेंगे। साइड वाला फंदा है, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। थर्ड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो इसको उतार लेंगे, ये जो फंदा दिख रहा है इसको हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में उतारना है। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे इस फंदे को,
सीता फंदा सीता। इस तरह से हमने फोर्थ रो भी कंप्लीट कर लेनी है। साइड वाला फंदा इसको हम उल्टा बना लेंगे। फिफ्थ रो डिज़ाइन की पूरी रो सीधा बना लेंगे। फिफ्थ रो राइट साइड पूरी रो सीधा बना लेंगे। सिक्स रो रॉन्ग साइड पूरी रो सीधी बना लेंगे। सिक्स रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स से, और पूरा बन के इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं। और पूरा बन के फ्रेंड्स से रेडीमेड स्वेटर जैसा लुक आता है इसमें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।